प्रस्तुत काव्य में जिस ग्राम की रेखा का वर्णन किया गया है, यानी कि ग्राम श्री कविता को उद्धृत किया गया है, वह दाड़े की समाप्ति तथा वसंत के आगमन के मौसम में एक पर्वतीय ग्राम की अनुपम प्राकृतिक शोभा का गतिशील चित्र प्रस्तुत करती है। काव्यांश प्रथम। फैले खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उज्जवल जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक। कवि कहता है कि गांव के खेतों में दूर दूर तक फसलों की मखमली कोमल हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे उस पर चांदी के समान उज्जवल जाली लपेट दी गई हो। कवि तिनकों को हरे शरीर वाला बताते हुए कहता है कि धूप में हरे तन वाले इन तिनकों में हरियाली कुछ इस तरह समा गई है जैसे नशों में हरा खून छलक रहा हो। फसलों की हरियाली से हरी हुई धरती के ऊपर आकाश का कभी न धूमिल पड़ने वाला नीलवर्णी फलक, छोर या किनारा इस प्रकार झुका हुआ है मानो नीचे झुककर वह धरातल को छू लेना चाहता है। काव्यांश दूसरा। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिनियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लौह हरित धरा से झांक रही नीलम की कलिती सी नीली। कवि कहता है कि प्रकृति में इस सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धरती रोमांच से भर गई है। इस कारण गेहूं और जौ के पौधों में नव विकसित बालियां दिखाई दे रही हैं। अरहर और सनई की पकी फसलों में फलियों के बीच हवा से हिलकर बज उठने वाला गोल सुनहरे दाने आ गए हैं। वे ऐसे शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं मानो धरती की कमर पर सुंदर घुंघरू हों। फूली हुई सरसों के पुष्पों का पीला रंग और उन फूलों से निकलकर हवा में फैलती भीनी तैलीय सुगंध बिखरी पड़ी है। खेतों की हरी भरी धरती से निकलने वाले नीले फूलों वाले तीसी के छोटे छोटे पौधे धरती के सौंदर्य को निहारने के लिए हरी भरी धरती से झांक रहे हैं। इस कारण धरती मानो रोमांचित होकर पुलक रही है एवं प्रसन्नता से भर गई है। काव्यांश तीसरा। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी चिमियां छिपाएं बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। कवि कहता है कि मटर के फूलों एवं शंख के आकार की फलियों से युक्त पौधे ऐसे लगते हैं मानो विस्तृत फसल राशि के बीच रंग बिरंगे फूलों वाली सखियां मटर के साथ खेतों में खड़ी हंस रही हों। बीजों की लड़ी को अपने भीतर छिपाए मटर की फलियां मखमल की थैलियों जैसे मटर के पौधों से लगी लटक रही हैं। खेत के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मटर के फूलों पर बैठती उड़ती रंग बिरंगी तितलियां जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल स्वयं उड़कर अपने व्रंतों से दूसरे फूलों के व्रंतों पर जाकर बैठ रहे हैं। काव्यांश चार। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामन जंगल में झरभेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। इस कविता में कवि कहता है कि गांव की धरती व प्रकृति के सौंदर्य का जो वर्णन कवि ने किया है उसमें बताया है कि सौंदर्य से मंडित नहीं है अपितु बाग बगीचों में उगे आम के वृक्षों की डालियां भी, जो अब सोने और चांदी के समान आभा वाली मंजरियों से लद गई हैं, उसकी प्राकृतिक सुषमा में वृद्धि कर रही हैं।
वसंत ऋतु के आगमन के प्रभाव से ढाक और पीपल के पुराने पत्ते झड़कर नव किस्लयों को विकसित करने का अवसर दे रहे हैं। इस वातावरण में कोयल भी मतवाली सी होकर कूक उठी है। कटहल के वृक्ष फल आ जाने के कारण महक उठे हैं। जामुन के फूल अचखिले होने से निकलने लगे हैं। जंगल में झरबेरी की झाड़ियों में झरबेरी के गुच्छे फलकर लटक रहे हैं। इन सब की भांति ही आड़ू नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए हैं। खेतों में आलू गोभी बैंगन मूली भी अपने वांछित विकास को प्राप्त कर रहे हैं। काव्यांश 5। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अंबली से तरु की दाल चढ़ी। लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेमी फली, फैली मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहता है कि पीले अमरूद अब मीठे और लाल चित्तियों वाले हो गए हैं, अर्थात पहले की अपेक्षा उनमें अधिक मधुरता और सौंदर्य समा गया है। बेर पक गए हैं तथा मीठे और सुनहरे हो गए हैं। आंवले की कोपले बहुत से फलों के गुच्छे लटक गए हैं। खेतों में कहीं हरा पालक लहरा रहा है तो कहीं हरे धनिए के फूलों की खुशबू वातावरण में महक रही है। लौकी और सेम की फलियां फैल गई हैं। टमाटर के फल हरे से लाल हो गए हैं, अर्थात टमाटर पक गए हैं। अब वह मखमल की भांति प्रतीत हो रहे हैं। मिर्च के गुच्छों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बड़ी हरी थैली के रूप में उग गए हों। काव्यांश 6। पालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रीति सुंदर लगती, सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बुगले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरख्वाब पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। कवि गंगा की रेत को देखकर कहता है कि गंगा तट की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, लहरों के जल से बालू पर बन जाने वाले सर्पिल सांप जैसे निशानों से युक्त है। उसके चारों ओर सरपत यानी कि खास पात की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों की खेती बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के जल में अपने एक पैर को उठा उठा कर सिर खुजलाते हुए कलंगी संवारते बगले बालों में कंघी करते से प्रतीत होते हैं। उस निरंतर प्रवाहमान जल में कहीं सुरखाब चक्रवाक पक्षी तैर रहे हैं तो कहीं किनारों पर मगरोठी एक प्रकार की चिड़िया सोई हुई है। काव्यांश 7। हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशकी तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलव नव आच्छादन, निरुपम हिमंत में स्निग्ध शांत निज शोभा में हरता जनमन। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरियाली सर्दी की धूप पड़ने पर हंस रही है तथा सर्दी की धूप और हरियाली आलस्य से युक्त होकर सो रहे हैं। ओस पड़ने के कारण रात भीग चुकी है। तारों की रोशनी फीकी पड़ने से प्रतीत होता है जैसे वह स्वप्न में खोए हुए हैं। सौंदर्य से पूर्ण गांव पन्ने मरकत के खुले डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इस मरकत डिब्बे से गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसा छाया हुआ है जैसे नीलम का आच्छादन हो। अनुपम शोभा युक्त गांव की यह स्निग्ध शांत सुंदर क्षणा जाड़े की समाप्ति एवं वसंत के आरंभ के प्राकृतिक वातावरण में अपनी सुंदरता से लोगों के मन को हर लेती है, अर्थात सम्मोहित कर देने वाली है।